सो अंडर द लीडरशिप स्किल्स ऑफ आर चिल्ड्रेन नाउ वी विल सी हाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग इज इसशियल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन्वॉल्व इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम डेटा कलेक्शन स्ट्राटजी इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू अब देखिए कि जब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि जो मसला वो हल करने जा रहे हैं उसको किन किन तरीकों से किया जा सकता है ताकि उनके पास सारे पॉसिबल ऑप्शन जो हैं वो मौजूद हों और फिर उसमें से वो किसी को भी ऑप्ट करते हुए अपने मसले को हल करें फिर जिस मसले को उन्होंने हल करना है उस स्ट्रेटी को इम्प्लीमेंट कैसे करने जा रहे हैं उसके लिए उनको क्या दरकार है क्या उनको सिर्फ हिम्मत दरकार है या कुछ उनको मजीद वसाइल भी दरकार हैं फिर वो ये भी देखेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं मतलब अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या वाकई जिस तरह से हम चाह रहे हैं हमारा मकसद हल हो जाएगा और अगर नहीं होता तो हमारा दूसरा प्लान क्या हो सकता है फिर हम क्या करेंगे इन प्रॉब्लम सॉल्विंग पेरेंट्स एंड स्कूल्स कैन मॉडल द द स्किल दे वांट चिल्ड्रन टू हैव एज जैसे मैंने अर्ज किया कि हमेशा सुजेशन और एडवाइस जो है वो काम नहीं करती ऐसे में जो टीचर्स हैं एजुकेटर्स हैं एडल्ट उनको रोल मॉडल बनना है उनको पहले बच्चों के सामने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और उसके लिए वो क्या करते हैं वो लाउड थिंकिंग करते हैं कि अच्छा हम ये वाला जो टॉय है इसको इसके अंदर अटैच करते हैं इसके अंदर तो ये अटैच नहीं हो रहा लगता इसके जो स्लॉट्स हैं वो इसके अंदर फिट नहीं बैठ रहे तो ऐसा करते हैं फिर दूसरे को चेक करते हैं दूसरा चेक किया ये भी नहीं हो रहा तो फिर इसको कुछ घुमाएंगे देखेंगे क्या अब ये फिट हो रहा है हाँ ये फिट हो गया इसका मतलब है कि हमें सिर्फ उसका साइज ही चेक नहीं करना बल्कि हमने उसको थोड़ा सा रोटेट करके भी देखना है कि आया ये इसके अंदर आ जाएगा स्लॉट के अंदर कि नहीं आ जाएगा चलिए हमने इन ब्लॉक्स को जोड़ लिया बिल्कुल इसी तरह के हम ड्राइंग करना चाहते हैं तो ड्राइंग करने में सबसे पहले हमें अब तक सर्कल लगाने तो आ गए हैं तो क्यों ना हमें कैट बनाने के लिए सबसे पहले दो सर्कल बनाए क्योंकि उसका जो पेट है वो भी एक बड़ा सर्कल है और शायद ओवल है और जो उसका सर है वो गोलाई में है और वो एक सर्कल है जब हम दो बना लेते हैं और तो हम कहते हैं अच्छा यूँ लग रहा है जैसे ये तो बिल्ली की शक्ल है अगर हम इसकी थोड़ी सी आंखें बना दें तो आप जो लाउड थिंकिंग कर रहे होंगे बच्चे भी उस लाउड थिंकिंग को करने का सीखेंगे और आदि हो जाएंगे देन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे हमने अर्ज किया कि इनको बच्चों को वहाँ पे आपने एडल्ट पहले तरबियत देनी है फिर आपने उनके साथ मिलके गाइडेड इंस्ट्रक्शन के साथ काम करना है और आखिर में फिर आप उनको छोड़ देते हैं ये विदोसकी की थेरी है कि आपने किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बच्चे को शुरू में आपने मुकम्मल तौर पे मदद देनी है फिर उस मदद को हटाते जाना है थोड़ा थोड़ा करते जाना है और उसको उसकी एफर्ट को आगे बढ़ाते जाना है ताकि एक मौका आए कि वो खुद से उसको कर पाए जहाँ तक प्रोजेक्ट प्लानिंग का ताल्लुक है आप प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिस तरह से हम ब्रिज बनाना है या बिल्डिंग बनाना है ये नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं कि बच्चों के छोटे छोटे टास्क होते हैं उनको कोई छोटे से टास्क दिए जा सकते हैं वो वो प्रोजेक्ट है लेकिन इससे पहले कि उस टास्क को अंजाम दें उनसे पूछा जा सकता है कि उसके सॉल्यूशन के लिए वो क्या करेंगे कौन सी ऑप्शंस लेंगे मसलन अगर वो एक हाउस बनाना चाहते हैं तो ठीक है इस हाउस बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत हो सकती है आपने इसका रूफ बनाना है अच्छा आपको दरवाजों के लिए भी कुछ चाहिए होगा तो फिर आप इसकी एक बाउंड्री भी बनाएंगे क्योंकि वो तो आपका सहन है वरना किसी को क्या पता ये आपका घर है अच्छा तो अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको पता है ना कि दरवाजे के साथ एक रूम बेल भी होती है तो वो कहां से लगाएंगे हम आप उनको छोटे छोटे इस तरह के प्लान जो हैं वो उनको बताएंगे कि कुछ भी करने से पहले वो उसको प्लान कैसे करें अच्छा अब जब वो प्लान कर लेते हैं फिर उसको मुकम्मल करने के लिए जिन जिन चीजों को उन्होंने प्लान किया था फॉर एग्जाम्पल हम अपने बच्चों को ऑप्शन देते हैं कि वो एक ऑमलेट बनाना सीखें तो सबसे पहले उनको बताएंगे कि भाई ऑमलेट बनाना है तो आप सोचिए ऑमलेट में क्या क्या होता है अब वो चुपके खाते हैं तो वो कहते हैं हाँ उसमें एग भी होता है उसमें अनियन भी है उसमें मिर्चें भी हैं धनिया वगैरह जो भी चीजें तो ठीक है ये आपका प्लान है फिर क्या करेंगे आप तो वो कहते हैं पहले हम अंडे को फेंटेंगे फिर ये चीजें डालेंगे हाँ ये तो ठीक है तो फिर फर्दर क्या करेंगे एक इसके लिए क्या चीज़ चाहिए इसके लिए पैन चाहिए जो पैन में अगर आप अंडा डालेंगे वो चिपक नहीं जाएगा हाँ तो फिर क्या करेंगे मतलब आप उसको प्लान करने में हेल्प आउट करें अब जब मैनेजमेंट की बारी आई है तो अब उसे कहते हैं अच्छा ठीक है जिन इंग्रेडिएंट्स की हमने बात की थी उसको पिक करें फिर वो किचन में से डिफरेंट प्लेसेस में उसको पिक करते हैं फिर उनको इकट्ठा करने के बाद जब वो उसको मैनेज कर रहे होते हैं देन ऑल्सो यू वर्क विद डैम फिर एक दफ़ा आप उनके साथ काम करते हैं दो दफ़ा करते हैं आहिस्ता आस्ता आप अपनी रहनुमाई को कम करते जाते हैं और बच्चे अपने काम को बेहतर करते जाते हैं। तो यहाँ क्या, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी स्किल्स भी नॉलेज भी और प्रीवियस एक्सपीरियंस भी एक दफ़ा तजुर्बा हुआ है आपके साथ फिर उन्होंने उसको खुद किया आपकी गाइडेंस में और आखिर में उन्होंने आपकी गाइडेंस के बग़ैर भी किया लेकिन आप क्या कर रहे थे मॉनिटर कर रहे थे और एक वक्त आएगा जब आपको मॉनिटरिंग की जरूरत भी नहीं रहेगी तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं वो बच्चों को दिए जा सकते हैं देखिए कोई बच्चा भी एक्टिविटी के बगैर नहीं बैठता सारा दिन उछलते हैं कूदते हैं कभी एक चीज़ को पकड़ते हैं कभी दूसरी को पकड़ते हैं आ, बिला वजह दराजों को खोलते हैं उसमें से चीज़ें निकालते हैं तो इसके बजाय क्यों ना उनको कुछ प्लान करने के लिए कहा जाए कि आए हम छोटा सा घर इस तरह का बनाए टेंट बनाते हैं आएँ हम फला एक गार्डन जो है हमारा उसको पौधों को पानी देने और फूलों की आज ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये कौन कौन से पत्ते हमारे बाग में लगे हुए हैं हमारे लॉन में लगे हुए हैं तो अगर आप उनको प्रोजेक्ट देंगे फिर उनके इक्विपमेंट के बारे में गौर करने को कहेंगे चंद दिन के बाद आप देखेंगे आपके बच्चे खुद ब खुद उस प्रोजेक्ट को तरतीब भी दे रहे हैं उनके लिए चीज़ें भी इकट्ठी कर रहे हैं और वो कर भी रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वो बहुत यूज़फुल हों या बहुत मुकम्मल हों परफेक्ट हों लेकिन वो इस सारे प्रोसेस में से गुजरेंगे ज़रूर और यही उनके यही उनके लाइफ ला, जो लाइफ लॉन्ग है एक्सपीरियंस है और यही सारी जिंदगी उनके काम आएगा